हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। हियर आई एम विद यू विद अनदर चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब ये चैप्टर इलेक्शन से रिलेटेड है। व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इलेक्शंस का क्या प्रोसीजर है, ऑल दीज थिंग्स दे आर मेंशन इन दिस। और फेमस पार्टीज के, अलग अलग पार्टीज के स्लोगन्स कौन से हैं, इसके बारे में ये चैप्टर जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर। ये देखिए, ये एक क्लिपिंग है, ये मतलब रियलिटी रियल क्लिपिंग है ये। और लीडर देवीलाल के बारे में ये है, हरियाणा के जो संघर्ष समिति के लीडर थे, मीटिंग एड्रेस कर रहे थे। 76 ईयर ओल्ड लीडर, बिजी मैन दीज डेज, और उनका डे स्टार्ट होता है। तो ये न्यूज़पेपर जो है ये उस समय का है, 1987 की क्लिपिंग है ये। स्टेट उस समय कांग्रेस पार्टी जो है वो उस स्टेट में, हरियाणा की बात है ये, कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट 1982 में हरियाणा पे रूल कर रही थी। चौधरी देवीलाल उस समय ऑपोजिशन लीडर थे, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी जिस मूवमेंट का नाम है न्याय योग। क्लिपिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। हिज पार्टी ज्वाइंड अदर ऑपोजिशन पार्टीज कि एक टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन इलेक्शंस। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल ने कहा दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, कि उन्होंने ये कहा था कि अगर उनकी पार्टी जो है इलेक्शन जीत गई तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स के सारे लोन्स को हटा देगी। और लोग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से नाखुश हो गए, देवीलाल की प्रॉमिस से अट्रैक्ट हो गए। सो इलेक्शंस हुए, लोकदल और एलाइज के फेवर में सीट ज्यादा हुई। लोकदल 76, 90 में से 76 मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एंड लोकदल वॉन 60 अलोन। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, मतलब जैसा अभी हाल है कांग्रेस का वैसा ही हाल, 5 सीट्स। तो वंस अगेन इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए। न्यूली इलेक्टेड जो एमएलए थे लोकदल के, उन्होंने देवीलाल जी को चीफ मिनिस्टर चुना। गवर्नर ने उनको इनवाइट किया और इस तरीके से देवीलाल जी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर हो गए। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, उनकी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया, वेव किया आउटस्टैंडिंग लोन जितने भी, मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब वो लोन जो उन्होंने पे नहीं किए थे, एग्रीकल्चरल लेबर, स्मॉल बिजनेसमैन, उनके सबके लोन। हिज पार्टी रूल्ड फॉर स्टेट फॉर 4 ईयर्स। नेक्स्ट इलेक्शन हुए और 1991 में, पर अब पार्टी को इतनी सपोर्ट नहीं मिली थी। कांग्रेस ने दोबारा से इलेक्शंस विन कर लिए थे। तो ये बताने का ये पर्पस ये है कि इलेक्शंस में जरूरी नहीं है जो रूलिंग पार्टी उस समय है वो दोबारा आए, और उनकी जो ये लोन वेव ऑफ करने की जो एक कमिटमेंट थी पूरी तो करी उन्होंने, लेकिन इससे नुकसान हुआ, लोगों का ही नुकसान हुआ, आम जनता का। नाउ व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसमें इलेक्शंस होते हैं और वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, ये इमेजिन करना। आप ये देखिए, विदाउट इलेक्शंस आप इमेजिन करिए डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी होगी ही नहीं, एंड ये पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी होगी। कोई भी छोटी सी कम्युनिटी ले लीजिए, आप अपनी क्लास ले लीजिए, क्या रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने का कोई तरीका है? कई बार आपके मॉनिटर्स टीचर्स सेलेक्ट कर लेती हैं, इलेक्ट नहीं करती। तो उससे क्या होता है कि लोग जो है वो नाखुश हो जाते हैं। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। तो इसके लिए इलेक्शन जो है वो लोगों को डिसाइड करने देना चाहिए दैट हु इज मोर कैपेबल। सो हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव ये लोगों के विशेष के अकॉर्डिंग रूल करेंगे? तो इन सभी के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है, एक सिस्टम की जरूरत है, एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट की जरूरत है, और लोग रेगुलर इंटरवेल पे वोट देने चाहें। इस पूरे मैकेनिज्म को इलेक्शंस कहते हैं। वोटर्स क्या कर सकते हैं इलेक्शंस में? हो गए, चॉइस शुड बी ऑफर्ड रेगुलर इंटरवेल, मतलब ये नहीं है एक बार आए और फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन नहीं हुए, जैसे घाना में निकोडामा ने किया था। फोर्थ, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड, जिसको लोगों ने चुना है वो इलेक्ट हो, और ऐसा रॉबर्ट मुगाबे ने किया था।
जो आप चैप्टर में अर्लियर चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन वेरी फ्री एंड फेयर मैनर। बहुत जरूरी है इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही कि हमने इलेक्शन क्या होती हैं, क्या उनकी जरूरत है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे करूंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, शेयर करिए, लाइक करिए जितना हो सके, एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू।